नमस्कार बंधुगण, समस्त को स्वागत जनाऊँ आमर यही यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण, आज आम आपण को एक खास उपाय विषय कहवा जाऊ। आज आम आपण को फूल गच विषय किसी खास तथ्य वर्णना करने को जाऊ। आज आम जो फूल गच विषय कहवा जाऊ से ही गच्छ हेउची सदाशिव गच्छ। एही गच्छर बहुत महत्व रही। आपणक शरीर पर अत्यंत लाभकारी होता है। गच्छर फूल को बाटी केशरे लगाइबा द्वारा अत्यंत केश कला होता है। आपण मैंने जानिथिबे आजिकाली प्रायतः अधिकांश लोके मधुमेह रोग से पीड़ित अछन्ति। तेणु एही फूल मधुमेह रोग मानक संजीवनी बुटी सदृश अटे। जो मैंने मधुमेह रोग से पीड़ित अच्छा से मैंने सका उठी दुई रु तीनोटी सदाशिव गच्छर कंचा पत्र चोबाई तार रस शोषी निपर गोटे ग्लास पा पी दिंतु। एभली आप सप्ताह तीन थर कर देखिए आपणकर मधुमेह रोग दूर हो। जदि आपण एही पत्र को चोबाई खाई पारु नहांती ताहेले गोटे कप गरम पानी रे नै सेथिरे तीनोटी सदाशिव फूल पकाई दियंतु। किछि समय परे फूल गुड़ी को बाहर करी सेही पानी रो सेवन करंतु। जदि आपण काचकुंडिया रोग रे पीड़ित अछंती ताहेले आपण सदाशिव गछर पत्र छिड़ाई तार बाहर थिबा खीर को काचकुंडिया स्थान लगातु। देखिबे खूब शीघ्र आपण उपशम पाइबे। जदि आपण मुहरे अधीन व्रण बाहर ताहेले सदाशिव गच्छर पांचोटी फूल पांचोटी पत्र को नहीं बाटी दियंतु। तापर यह व्रण होइतिबा स्थान लगातु। जदि आपण निज चुट्टी को सुस्थ और लंबा करने को चाहूंती ताहेले प्रत्येक दिन सका उठी पांचोटी पत्र को धोई चोबाई खातु। देखिबे आपणकर चुट्टी कला एवं लंबा रहिबो। शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा पई प्रत्येक दिन सका दुई बा तीनोटी सदाशिव फूल चोबाई खातु। आजिकाली प्रायतः अधिकांश लोके मोटापणार शिकार होइथांती। तेबे जदि सकाळु खाली पेटरे सदाशिव फूल बा पत्रर चाहा प्रस्तुत करी पियंदी ताहेले धीरे धीरे आपणकर मोटापण कमिबाकु लागिबो। एहा शरीरर अदरकारी चर्बी को हटाइबारे सहायक होइथाय। आशा करुछु बंधुगण आजर भिडियोटी आपंक निहती भाव भल लगे एवं आपण मैंने भिडियो मध्यम कि जानवाक पाइबे। जदि आपंक भिडियोटी भल लगे तेब गोटे लाइक करदे एवं कमेंट करके आमको जन कि आपण यही सदाशिव गच्छर उपकारिता विषय आगुरी जानी कि ना। जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल टी दयाक सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि आपर भिडियो आगक देखिपर एवं नोटिफिकेशन आप निकट में पहुँची पार गोटे बेल आइकन को प्रेस करदे। आज इतनी रहूँ। जय जगन्नाथ।